सुनती तुम्हारे इशारों पर मन सब का मोह लेती हूँ। जब दुनिया वाले कहते कठपुतली मुझे अपने दिल का दर्द अकेले में रो लेती हूँ, अपने दिल का दर्द अकेले में रो लेती हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं की आपकी जो वसंत पुस्तक है उसकी कविता है कठपुतली। इस कविता के प्रश्नोत्तर जो है हम करने जा रहे हैं, तो आइए एक एक प्रश्नोत्तर मेरे साथ करते रहिए। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे में बंधी हुई पराधीन है और वह स्वतंत्रता की इच्छा चाहती है। कठपुतली, अगला प्रश्न भाई, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई होती है। उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है और वह अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं रखती है। अगला प्रश्न है भाई, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही है और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर के आजाद होना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला वाक्य दे रखा है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। देखिए, इनके आधार पर उत्तर दिया जाएगा। तो पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है और दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात है। उसे लगा कि उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। अगला प्रश्न है भाई, बीते दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से बताइए। बहुत दिन हो गए मन में कुछ उमंग नहीं आई, खे का जो वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो ये चार पांच वाक्य दिए गए हैं, इनके आधार पर जो उत्तर लिखा जाएगा कि मन के स्वच्छंद से, छंद से यहाँ तात्पर्य मन की खुशी। अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों में से आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। देखो 1857 और 1942, तो इन दोनों आंदोलनों के मुख्य नेता कौन कौन थे भाई? तो 1857 में तो भाई झांसी की रानी ने जो है तात्या टोपे था, झांसी की रानी थी,
और 1942 में महात्मा गांधी जी थे, है ना। तो देखिए हम देख सकते हैं नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, 42 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नाम जो है वो लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है भाई, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध करना चाहने का प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। यानी एक अनुमान लगाना है आपको, कल्पना के आधार पर आपको उत्तर लिखना है भाई। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे के बंधन के प्रयास किए गए होंगे तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया होगा तथा पूरी शक्ति से संघर्ष किया होगा। अगला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं ना तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ जुड़ते हैं तब कठपुतली बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए, जैसे कठपुतली से बना काठ गुलाब कठफोड़ा, तो उसी तरह के जोड़े बनाने हैं आपने। हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट, तो इनके आंसर देखिए, हाथ से बना हथकड़ी, सोना से बना सोन पापड़ी सोन हलवा, मिट्टी से बना मट से बना हुआ मटका। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है, यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो देखो, दुबला पतला, पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, यानी हमने ये उलट के लिख देने हैं। ऊपर नीचे तो नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं तो बाएं से दाएं, गोरा से काला तो काला से गोरा, लाल से पीला तो पीला से लाल, विपरीत लिखने हैं। तो ये आपका जो था अभ्यास के प्रश्नोत्तर कठपुतली कविता के। यदि विद्यार्थियों आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। लॉकडाउन में आपका सिलेबस जो कुछ अधूरा रहा है मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करवाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।